आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो रे, आज का हमारा क्वेश्चन है द जेड आर पी ऑफ ए फिजिकल वैलेंस इज 10.5 व्हाइल जेड आर पी मतलब जीरो रेस्टिंग पॉइंट व्हाइल फाइंडिंग मास ऑफ ए सब्सटेंस ठीक है फॉर ए वेट 34.23 ग्राम द रेस्टिंग पॉइंट वाज फाउंड बी 8.5 ठीक है क्या रेस्टिंग पॉइंट ठीक है when 10 gram was removed ठीक है the resting point was 11.0 ठीक है the most accurate mass of the substance is आपको जो है substance का most accurate mass जो आपको बताना है ठीक है and ये आपको चार options देंगे आपको पूछा गया इन चार options में से कौन सा option आपके लिए correct है ठीक है so यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है सबसे पहले आप ये देखिए 10 gram was removed ठीक है अगर आपने 10 ग्राम मास जो है रिमूव कर दिया ठीक है देखिए इसका एक्चुअली मतलब क्या है एक्चुअली मतलब यही है कि आपके पास इस प्रकार से कोई फिजिकल बैलेंस है ठीक है एंड मान लो कि आपके पास ये फिजिकल बैलेंस है ठीक है एंड इसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पे इस प्रकार से मान लो कि दो पेन्स है ठीक है दो पेन एंड आपको बता ये मैंने जो एक सिंपल डायग्राम बनाया बाकी फिजिकल बैलेंस का डायग्राम जो होता है उसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंटर भी होता है ठीक है कुछ इस प्रकार से होता है ठीक है पॉइंटर वगैरह होते हैं इस प्रकार से ये जो है सपोर्ट्स लगे रहते हैं उसके ऊपर आपके जो है ये लगे रहते हैं यहाँ पे ठीक है सो ये पॉइंटर्स जो है जिस भी मतलब कि स्केल की जिस रीडिंग के ऊपर ये रेस्ट में आता है वहाँ पे क्या होता है जीरो पॉइंटिंग ठीक है स्पेशल पॉइंटर वगैरह होता है ठीक है एक्चुअली ये जो है फिजिकल बैलेंस जो आपका फिजिकल बैलेंस है उसका डायग्राम है नहीं फिजिकल बैलेंस का डायग्राम में जो है उसके अंदर क्या होता है आपके पास दो पेन्स होती हैं ठीक है एंड ये पेन्स जो है कि इसमें लगी रहती है आपके पास जो है सपोर्टर्स के अंदर ये पेन्स लगी रहती हैं इस प्रकार से ठीक है एंड इस प्रकार से मान लो कि आपके पास सपोर्टर्स के अंदर इस प्रकार से दो पेन्स लगी रहती हैं ठीक है एंड यहाँ पे आपके पास जो इस प्रकार से एक स्टैंड होता है यहाँ पे आपके पास जो एक हैंडल होता है ठीक है एंड यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपके पास एक पॉइंटर होता है एंड यहाँ पे आपके पास जो है एक स्केल होता है ठीक है सो ये पॉइंटर जो है जिस पॉइंट पर रेस्ट होता है वो क्या कहलाता है जीरो रेस्टिंग पॉइंट ठीक है सो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया 10 ग्राम रिमूव ठीक है मान लो कि यहाँ पे आपका वेट था 34.23 ग्राम ठीक है तो मान लो जीरो रेस्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ था ठीक है अगर इसे 10 ग्राम रिमूव कर दिया तो ये आपका पॉइंटर कहाँ आएगा इस तरफ ठीक है दैट मीन्स क्या होगा ये नीचे की तरफ ठीक है सो यहाँ से जो इसकी जो रेस्टिंग पॉइंट था तो ये 10 ग्राम रिमूव करने के उपरांत जो आपका जो रेस्टिंग पॉइंट आया वो कौन सा रेस्टिंग पॉइंट होगा लोअर रेस्टिंग पॉइंट बिकॉज आपका पॉइंटर कहाँ आएगा अगर आप 10 ग्राम रिमूव कर दे तो आपका पॉइंटर कहाँ आएगा लोअर में आएगा ठीक है पॉइंटर क्या हो जाएगा यहाँ से पॉइंटर की रीडिंग जो क्या हो जाएगी लो हो जाएगी ठीक है अगर 10 ग्राम रिमूव कर देते अगर आप 10 ग्राम ऐड कर देते तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे जो है हाई रेस्टिंग पॉइंट आता ठीक है अगर मान लो आपने 10 ग्राम ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है ये आपका जो पॉइंटर है वो क्या हो जाता उसकी रीडिंग जो है और हाई आ जाती ठीक है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है हाई रेस्टिंग पॉइंट ठीक है सो यहाँ पे जो आपको 8.5 जो दिया गया है वो क्या है यहाँ पे आपके पास वो यहाँ पे आपके पास लोअर रेस्टिंग पॉइंट जब आपने 10 ग्राम जो है रिमूव कर दिया था ठीक है सो यहाँ से जो है 10 ग्राम जो रिमूव कर किया दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी आपके पास LRP ठीक है दैट मीन्स लोअर रेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा ठीक है एंड जो 11.0 जो आपको दिया गया है ये क्या हो गया अब आपके पास ये आपके पास हो गया HRP ठीक है दैट मीन्स हायर रेस्टिंग पॉइंट ठीक है एंड 8.5 क्या हो गया आपके पास 8.5 आपके पास हो गया LRP ठीक है 8.5 आपके पास LRP होगा 10 ग्राम मैंने रिमूव किया उसके कारण क्या है यहाँ पे आपके पास जो लोअर रेस्टिंग पॉइंट आएगा ठीक है एंड वो आपको कितना दिया गया था वो आपको दिया गया था 8.5 ठीक है एंड यहाँ पे 11.0 क्या होगा आपके पास हाई रेस्टिंग पॉइंट ठीक है एंड यहाँ पे आपको जो जीरो रेस्टिंग पॉइंट दे दिया गया ठीक है सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम जो करेक्शन जो फाइंड कर लेंगे ठीक है सो अब देखिए करेक्शन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे करेक्शन इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है देखिए आपको होता है करेक्शन इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा करेक्शन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या ZRP माइनस LRP ठीक है कब जब LRP जो ठीक है जब लो रेस्टिंग पॉइंट अगर ऑब्टेंड होता तो वहां पे आपके पास करेक्शन क्या देगा वहां पे आपके पास करेक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो रेस्टिंग पॉइंट माइनस लोअर रेस्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई हायर रेस्टिंग पॉइंट माइनस लोअर रेस्टिंग पॉइंट ठीक है इनटू जो आपका मास जो रिमूव किया गया था ठीक है सो यहाँ से हमने मास ठीक है मास रिमूव किया गया था वो मास कितना है यहाँ से आपके पास मास यहाँ से आपके पास हो गया 10 मिलीग्राम ठीक है 10 मिलीग्राम आपका मास जो रिमूव किया गया था ठीक है सो यहाँ से आपके पास हो गया 10 मिलीग्राम ठीक है सो यहाँ पे देखिए करेक्शन कितने आ जाएगी आपके पास करेक्शन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से करेक्शन करेक्शन इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा HRP कितना आपके पास देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया था HRP कितनी है आपके पास HRP ऑफ फिजिकल बैलेंस इज 10.5 ठीक है एंड LRP 8.5 एंड HRP 11 ठीक है 11.0 ठीक है सो HRP आपके पास दिया गया 10.5 माइनस LRP आपको दिया गया 8.5 ठीक है डिवाइडेड बाई
एचआर पे आपको दिया गया 11.0 माइनस 11.0 माइनस एलआर पे आपके पास है 8.5, ठीक है, इनटू 10 मिलीग्राम जो आपको मास रिमूव किया गया, ठीक है, सो ये आपके पास हो गया 10 मिलीग्राम, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास करेक्शन जरूर आ जाएगा, सो यहाँ से आपके पास करेक्शन जरूर आ जाएगा, देखिए ऊपर कितना बचा आपके पास 2, ठीक है, 10.5 माइनस 8.5 कितना बचेगा आपके पास 2, ठीक है, एंड नीचे कितना बचेगा आपके पास, देखिए 11.0 माइनस 8.5, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बच गया टोटल 2.5, ठीक है, इंटू आपके पास 10 मिलीग्राम, ठीक है, सो ये दोनों जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, एट 2 × 4, ठीक है, ये कितना होगा आपके पास 8 मिलीग्राम, ठीक है, देखिए एंड हम जानते हैं कि वन जो आपका 1 ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 1000 मिलीग्राम, ठीक है, सो यहाँ से 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाई 1000 ग्राम, ठीक है, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो करेक्शन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए 8 डिवाइडेड बाई 1 मिलीग्राम जी लिख सकते हो आप 1 बाई 1000 ग्राम, दैट मीन्स 8 बाई 1000 ग्राम, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 0. ठीक है, जब आप 8 को 1000 डिवाइड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 0.008 ग्राम, ठीक है, सो ये आ गया आपके पास करेक्शन, ठीक है, एंड ये करेक्शन देखिए, ये करेक्शन क्या थी आपके पास, हमने क्या किया था 10 मिलीग्राम जो मास जो रिमूव किया था, ठीक है, सो आपके पास करेक्ट मास कितना आ जाएगा, करेक्ट मास, ठीक है, सो करेक्ट मास कितना आ जाएगा, देखिए आपका जो ओरिजिनल मास था, ठीक है, ओरिजिनल मास आपके पास कितना दिया गया था 34.23 ग्राम, ठीक है, ये जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था, देखिए ये दिया गया 34.23 ग्राम, ठीक है, एंड यहाँ माइनस वाला जो आपकी करेक्शन है, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो करेक्शन हो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्शन को हम माइनस करेंगे, बिकॉज वाई, बिकॉज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है आपका 10 मिलीग्राम जो है रिमूव किया, ठीक है, अगर हम 10 मिलीग्राम ऐड करते तो हम क्या करते थे, या जो आपकी जो हम करेक्शन हमने निकाली करेक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या किया 10 मिलीग्राम रिमूव किया, ठीक है, दैट मीन्स जो 10 मिलीग्राम जो हमने रिमूव किया उसके कारण जो करेक्शन है वो क्या कर देंगे हम, जो ये जो आपका जो ओरिजिनल मास आपको दिया गया था टोटल मास उसमें क्या कर देंगे, जो करेक्शन थी जो 10 ग्राम रिमूव करने के कारण इसको जो आप माइनस कर देंगे, ठीक है, सो आपके पास -0.008 ग्राम, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 34.222 ग्राम, ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज 34.222 ग्राम, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।